अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी कैमरे चेक पॉइंट बुक टू की दूसरी वीडियो है और एक्सरसाइज है 1.3A। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, वर्क आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो इस तरह के सवाल आप में जो स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है वो पॉइंट वाले या डेसिमल वाले क्वेश्चन की वजह से होती है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। ये डेसिमल फ्री है, इसके साथ डेसिमल है, तो हम इस नंबर को ऐसे ही लिख देंगे 360 मल्टीप्लाई 0.1। इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे मैंने वन लगाया और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतने ज़ीरो लगा दिए, तो ये हमारा हो जाता है 360। 1 ज़ 360 बाय 10। अब नीचे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे 10 है, तो ये 0 से 0 डिवाइड हो गया, तो आंसर हमारा आया 36। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया। अब हम अगला देखते हैं, इसका सलूशन करते हैं। 850 मल्टीप्लाई 0.1, इसको भी हमने डेसिमल के नीचे वन लगाया, जितने नंबर थे उतने ज़ीरो लगाए, तो अब हमारे पास हो गया 850 बाय 10। अब ये देखें, हमारा 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 85। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। 1460 मल्टीप्लाई 0.1, सेम इसके साथ भी ऐसा किया, डेसिमल के नीचे वन और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो, हमारे पास आ गया 1460 बाय 10। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 146। अब हम इससे अगला करते हैं इसका सोल्यूशन। 5600 मल्टीप्लाई 0.1, इसका भी डेसिमल हमने ख़त्म किया, हमारे पास आ जाता है 5600 बाय 10। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो गया, अब हमारा आंसर आएगा 560। अब हम नेक्स्ट करते हैं 8760 मल्टीप्लाई 0.1 ओवर 10। अब हम इसको लिखेंगे 8760 बाय 10, क्योंकि ये 10 हो गया, ये 0 के साथ 0 कट गया, हमारा आंसर आया 876। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं 2360 मल्टीप्लाई 0.1, इसके नीचे 10 लिखा, तो ये हमारे पास हो गया 2360 बाय 10। फिर हमारा 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया 236। तो अब हम अगले सवाल करते हैं। इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1850 मल्टीप्लाई 0.01। अब आपने देखा होगा कि पॉइंट के बाद अब दो नंबर हैं, चलिए इसको करते हैं। 1850 मल्टीप्लाई 0.01। अब पॉइंट के नीचे मैंने वन लगाया और पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो मैंने दो नंबर लगा दिए। अब हमारे पास आया, ये हो गया 10 ओवर 100। अब 10 के साथ 10 कट गया, हमारे पास आया 185 बाय 10। अब आप देखें, जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन में, तो वो लंबा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ से राइट साइड से एक नंबर के बाद इसमें पॉइंट लगा देंगे,
हमारा आंसर आएगा 185। वैसे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, 185 डिवाइड बाय 10, 10 वन ज़र 10, 10 एट ज़र 80। अब हमारे पास आ जाता है 5, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज करूँगी तो वो 0 आ गया, 10 फाइव ज़र 50। अब देखिए यहाँ से राइट साइड के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ से राइट साइड के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगी, तो हमारा 18.5 आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये है 5600 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइड बाय 100, ये 1 ज़र हो जाता है, 100, 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आया 56। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं, 1460 मल्टीप्लाई 0.01, इसके नीचे भी 100 लगाएंगे तो ये हो जाता है 1460 बाय 100, 1 ज़ीरो के साथ 1 ज़ीरो कैंसिल कर दिया, अब हमारे पास आया 146 बाय 10। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 1 ज़ीरो है हमारे पास, तो हम एक नंबर के बाद इसमें पॉइंट इंक्रीज करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 14.6, ये हमारा आंसर है। अब हम अगला करते हैं, इसका पार्ट 10, 8750 मल्टीप्लाई 0.01 ओवर 100, अब ये 1 ज़र हो जाता है तो हमारे पास आता है 875 बाई 100। अब आप देखें आपके पास 2 ज़ीरो हैं तो आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट इंक्रीज करना है, राइट साइड से 2 नंबर के बाद आपका आंसर आ जाएगा 8.75, ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं इससे अगला, 62 मल्टीप्लाई 0.01, इसके नीचे भी आता है 100, तो ये 1 ज़र हो गया, 62 बाय 100। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 ज़ीरो है, हमें 2 नंबर के बाद इंक्रीज करना है पॉइंट, हमें उसमें ऐड करना है पॉइंट 2 नंबर के बाद, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.62। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला करते हैं, 153 मल्टीप्लाई 0.01 बाय 100, तो ये 1 ज़र हो जाता है, 153 बाय 100। अब फिर हमारे पास 2 ज़ीरो हैं तो हम 2 नंबर के बाद पॉइंट ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.53 हमारा आंसर। इसके हमारे इस क्वेश्चन के 3 मोर पार्ट्स रहते हैं, चलिए अब वो करते हैं। ये हमारा है इसका पार्ट 13, तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास है 7244 मल्टीप्लाई 0.01, इसके नीचे हम 100 लगाएंगे तो ये 1 ज़र हो जाता है, 7244 ओवर 100। अब आपको पता है ये 2 ज़ीरो हैं तो हमने राइट साइड से 2 नंबर के बाद इसमें डेसिमल ऐड कर देना है, 7244 इसका आंसर है। अब हम ये नेक्स्ट करते हैं, ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई 0.1, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो मुझे 10 लगाना पड़ेगा, तो ये 1 ज़र किया तो यहाँ पे 10 आया। 1 ज़ीरो का रूल है कि आपको 1 नंबर के बाद राइट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट ऐड करना है, तो 2.7 आंसर हो गया। अब हम ये करते हैं, 38 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये हो जाता है हमारे पास 38 बाय 100। अब फिर आपको बताया हुआ है मैंने, फिर देखें कि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नंबर के बाद पॉइंट ऐड करेंगे तो ये फिर हो जाएगा 0.38,
ये हमारा आंसर है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो और ये तमाम क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।